कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो को शूट करते हैं तो वो 800, 900 या 1 GB तक में वीडियो शूट होता है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो हम कैसे कहीं अपलोड करेंगे। सोराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको ऐसा ही एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से आप कितना बड़ा भी जैसे वीडियो हो 1 GB का, 2 GB का या 800-900 MB का वीडियो हो तो उसको आप कंप्रेस करके आप उसको 200-100 MB तक में आप उसको कम कर सकते हैं और आपके वीडियो का कंप्लीट जो वीडियो बना हुआ है उसका जो है आपका जो क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपका जो बहुत बड़ा वीडियो का साइज बन चुका है उसको आप कैसे कंप्रेस करेंगे और उसको कम MB में कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल यह एप्लीकेशन है, वीडियो कंप्रेसर, और यहाँ फास्ट कंप्रेस वीडियो एंड फोटो। तो यहाँ आप अपनी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो और अपने वीडियो और फोटो को भी आप इसमें कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो रेटिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो रेटिंग है, यहाँ पे 4.5 पर रेटिंग है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 मिलियन प्लस में यह डाउनलोड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना बेस्ट यह एप्लीकेशन है। तो इसको आप मेरे लिंक से नहीं कीजिएगा तो आप प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए, जैसे मैं यहाँ इसको डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं यहाँ से इसको ओपन हो लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करते हैं तो आपके यहाँ पर जो देखिए ढेर सारा जो यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स वीडियो, आपको ये जितने वीडियो आपके जो मोबाइल में रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको आ जाते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोटो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रॉम फोल्डर आपको बोल रहा है फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जाके बाद आप जहाँ भी आपका फोल्डर रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है फोल्डर सब, तो मैं इसमें से फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मैं अपना फ़ोटो का रिसाइज कम करना चाहता हूँ। तो जैसे हमें फ़ोटो का रिसाइज कम करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फ़ोटो को चूज करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो भी फ़ोटो रहेगा आपको फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो सब यहाँ पर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ढेर सारा फ़ोटो आपका यहाँ पर देखिए आ चुका है। जैसे हमें यहाँ पर 271 KB का फ़ोटो है तो हमको यहाँ पे ऑल हमको नहीं करना है, इस तरीके से आपको ऑल वाले पर से यहाँ पे हटा देना है और जो भी फ़ोटो को आप सेलेक्ट करना है इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 3 फोटो आपको यहाँ पे आ चुका है। जैसे हमको एक ही रखना है, यहाँ हमको एक वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका विड्थ और हाइट यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका ओरिजिनल जो है रेजोल्यूशन है इस तरीके से ओरिजिनल वाले पर क्लिक कर देंगे, यहाँ विड्थ और हाइट आपको इसमें चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो है कॉम्प्रेसन क्वालिटी आप इस तरीके से इसको आप 100% कर सकते हैं और इस तरीके से आप 40% तक कर सकते हैं। तो आपको जितना इसको आपको क्वालिटी बढ़ाना घटाना है इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका विड्थ कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसका जो है विड्थ कर देता हूँ 300 इस तरीके से और इसका मैं हाइट कर देता हूँ इस तरीके से 250। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है नीचे कंप्रेस फोटो, आप कंप्रेस फोटो को आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका फोटो यहाँ कंप्रेस हो चुका है और यहाँ पर देखिए 271 MB का पहले था बिफोर में पहले का और आफ्टर में जो बाद में आपका हुआ है वो कितना है 44 KB का हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको आपको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने को यहाँ पर देखिए कि इसका साइज है यहाँ पर कम हो चुका है। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए कि इसका साइज जो है आपका कम हो चुका है और इसके क्वालिटी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिससे आप अपने फोटो का साइज कम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इसको मैं आपको गैलरी में भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद आपको गैलरी को आपको ओपन कर लेना है। गैलरी को ओपन करने के बाद इसमें आपको ढूंढ लेना है कि आपको गैलरी में कहाँ आया हुआ, जहाँ पर देखिए कि न्यू करके आया हुआ है
है, और यहाँ पर देखिए इसका क्वालिटी में भी कोई असर नहीं हुआ है, और इसका साइज भी आपको 50% से ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी जो मेरे पहले था उसी तरह इसका क्वालिटी अभी भी है। यहाँ मैं इसका ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ, या अब इसको पहले इसको जो कंप्रेस किए हैं इसको देख लीजिए यहाँ पर इसका साइज, इसके बाद मैं इसका ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं बैक आऊँगा, मैं जहाँ भी रख रखा हूँ इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ मैं पिक वाले में जाता हूँ, पिक वाले में जाने के बाद यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके आऊँगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेरा जो है फोटो है, यहाँ पर देखिए जो ये ओरिजिनल फाइल है, और यहाँ पे वहाँ पर था कि आपका जो मैं कंप्रेस किया था वो, तो वो दोनों में आपको यहाँ पर कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा तक आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और आपकी जो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद मैं वीडियो कंप्रेस करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं वीडियो को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि 8.3 MB का वीडियो है, इस तरीके से वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अब ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है देखने को, यहाँ कंप्रेस वीडियो, यहाँ पे कट एंड कंप्रेस, वीडियो को काट सकते हैं और इसको कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ एक्सट्रैक्ट MP3 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब अपने निकाल सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को प्ले कर कर देख सकते हैं, यहाँ शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो को आपको कट करके आपको कंप्रेस करना है तो यहाँ कट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। आप अपने वीडियो के पार्ट को इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके जितना भी काटना चाहते हैं इस तरीके से आप अपने वीडियो के पार्ट को काट कर सकते हैं, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, और जितना फुल रखना चाहते हैं इस तरीके से आप फुल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका वीडियो यहाँ पे कट रहा है। जैसे हमको काटना नहीं है इसको, हमको पूरा रख लेना था, इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो का यहाँ कंप्रेस वीडियो का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता होगा, इस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 95% तक अगर आप 95% कीजिएगा तो यहाँ पर 7.4 MB का ये वीडियो हो जाता है। इसी तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.6 MB तक का आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे HD में करना है तो इस तरीके से मैं ऊपर जाऊँगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ देखिए मैं इसको जो है 80% तक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5.5 MB का ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो इसको और कम कर सकते हैं आप इसको। जैसे मैं यहाँ पर इसको 480 MP लेना चाहता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर इसको HD में ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 80% तक इसको कंप्रेस कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए 5.5 MB का है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए आपका वीडियो का कंप्रेस होना स्टार्ट हो चुका है, और ये 5.5 MB में ये आपका वीडियो कंप्रेस होगा। यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन आपको लिखा आ रहा है रनिंग इन बैकग्राउंड, मतलब आपको जो वीडियो का है बैकग्राउंड को यहाँ पर जो कंप्रेस ऊपर में आपको यहाँ पे लिखा है कि आ भी आवाज सेव पाथ का ऑप्शन, यहाँ जो ये पाथ में जाके यहाँ पे आपका सेव ये जो भी कंप्रेस हो रहा है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्रेस हो चुका है, अब यहाँ पे चलना भी स्टार्ट हो चुका है ये कंप्रेस होने के बाद। तो आप देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, जो इसकी ओरिजिनल है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये अभी देखिए जो कंप्रेस हो गया, चलना स्टार्ट हुआ यहाँ प्ले वीडियो पर, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। चलिए मैं इसको गैलरी में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद मैं आपको गैलरी में इसको ओपन करके दिखाता। तो इस तरीके से आप गैलरी को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपको जो भी कंप्रेस होकर यहाँ आया है उसको आपको ढूंढ लेना। जैसे मैं यहाँ देखिए जो वीडियो है कंप्रेस होकर यहाँ पे आया हुआ है, इसी तरीके से अगर आपका जहाँ भी आएगा इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा यहाँ पे न्यू फाइल में करके यहाँ पे आया हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ मेरा जो ओरिजिनल फाइल था, तो मैं इसको आपको साइज दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मोर पे जाऊँगा, मोर पे जाने के बाद डिटेल्स पे जाऊँगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 8.26 MB का है, तो मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसको प्ले करूँगा यहाँ पे MX प्लेयर में, और इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो इस तरीके से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और इसकी आप क्वालिटी आप इसको देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए कि कितनी है, और इसकी क्वालिटी में भी आप ओरिजिनल है ये वाला। और मैं जो भी कंप्रेस हुआ है इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको जो भी कंप्रेस होकर आया है यहाँ पे देखिए न्यू वाला करके इसको मैं ओपन करूँगा इस तरीके से, और इसका मोर पे जाऊँगा, डिटेल्स पे जाऊँगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4.81 MB का ये हो चुका है। तो मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरीके से प्ले वाले पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका साइज में आपको कोई फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल था वो, और ये जो अभी कंप्रेस हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 50% से ज़्यादा ये कंप्रेस हो चुका है, और ये इसके वीडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, और कोई भी क्वालिटी में भी इसका जो है लॉस नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार ये एप्लीकेशन है। तो गाइस अगर आपकी वीडियो में भी
ज़्यादा एमबी का आपका वीडियो हो, आप शूट करते हैं ज़्यादा एमबी का वीडियो हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो कंप्रेस करें, अपनी साइज कम करें, तो ये वाला जो एप्लीकेशन हो आप इसको यूज कर सकते हैं और आपके वीडियो का कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से जो मेरा बड़ा साइज का वीडियो है उसको हम कैसे कंप्रेस करेंगे और कैसे कम करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।